अज शहीद भगत सिंह नगर दे साडे बहुत ही सत्कारयोग भाटिया साहब साडे बहुत ही सीनियर एडवोकेट साहबान पाठक साहब और साडी बीजेपी पार्टी दे मंडल प्रधान संजीव पुरी जी ते होर भी साडे सत्कारयोग महला निवासी शहीद भगत सिंह नगर दे अज इस बहुत ही गंभीर मुद्दे दे संबंध विच साड़ी एक मीटिंग हुई कि जो जगह शहीद भगत सिंह नगर दे विच ई ब्लॉक दे विच सरकारी तौर पर लोगों की सहूलत वास्ते पहला प्रायमरी स्कूल तो जिथे हुण एक कम्यूनिटी सेंटर बन जाना सी उहदे वास्ते राखवी हुई है रिजर्व हुई है उसनों साडा लुधियाणा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सुब्रमणियम जी तो जिन्हों भारत भूषण आशू जी की पूरी शह है जिमें साडे भाटिया साहब ने पूरा बहुत विस्थारपूर्वक एक्सप्लेन किया कौडिया के भा उ प्लाट कट के वेचन जा रहे हैं जिस संबंध में साढ़े सीनियर एडवोकेट साहबन पाठक साहब जी ने इन दर रहनमई हेठ अदालत में पहुँच की मानयोग अदालत ने सारे पक्ष सुनते हुए वो उपर स्टे दिता है कि यह जी जगह आ नहीं विकनी चाहिए इस तरह नहीं होना चाहिए। देखो मेन अज मकसद की है इस मीटिंग का कि जो इस तरह गैर कानूनी ढंग के नाल जिहड़ा लोगों की सहूलत वास्ते राखवी रखी हुई जगह आनू किसी भी वेचन का कोई अधिकार नहीं गा जिमें कि भाटिया साहब ने पहला एक्सप्लेन किया कि जो भी राखवी जगह अपने कोई कलोनी कट्टी जाती आ सरकारी तौर पर तो उत्थे लोगों की सहूलत वास्ते स्कूल वास्ते कम्यूनिटी सेंटर वास्ते पार्क वास्ते जो भी जगह रखी जाती उस जगह का मुल जिहड़ा है निर्धारित करके बाकी प्लाटा के उपर पाया जाता है और वो कदे भी चीज़ जिहड़ी है चेंज नहीं होंदी। पर अज इन्हां दे हालात देखो कि यह अपने एक भूमाखी माफिया इकट्ठा हो के लुधियाणे विच जिन्हां नूं भारत भूषण आशू दी शह है और वह कौडियां दे भाव वेचन जा रहे हैं। ये एक जगह नहीं है होर भी जगह तो इदा ही होया। वैसे भी साढ़े जिहड़े ट्रस्ट के चेयरमैन साहब ने और साढ़े भारत भूषण आशू जी ने इन्हों आदत पै चुकी पार्कों पूर्कों के कब्जे करने की आशू जी ने भी किया होया और साढ़े जिहड़े चेयरमैन ने ट्रस्ट के उन्होंने भी पार्क से जिमें हालात पैदा किए ने सब नॉलेज में ही है। असी अगे भी एक दिन इस चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी कि गैर कानूनी ढंग नाल तुसी भूमाफिया सारा रल के इस तरह जिहड़ियां सरकारी जमीनां ने लोगों की सहूलत वास्ते ने बिल्कुल ना वेचो। असी इस मुहिम दे विच